सहारनपुर में आज रामपुर मनिहारान विधानसभा में अंकिता भंडारी के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष नितिन शर्मा के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च में लड़कियों ने अंकिता के हत्यारों की फांसी की मांग की और कहा कि जब तक ऐसे दरिंदे रहेंगे तब तक देश की दशा और दिशा नहीं सुधरेगी। इस मौके पर युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नितिन शर्मा ने कहा कि हम उत्तराखंड सरकार से कहना चाहेंगे कि अंकिता भंडारी के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ऐसी सजा दी जाए जो लोगों के लिए एक नज़ीर साबित हो। जिला उपाध्यक्ष सरदार हनी सिंह व अरविंद प्रधान ने कहा कि भाजपा के मंत्री के पुत्र ने जो ये कृत्य किया है वह बहुत घिनौना है। जिस प्रकार राज्य और केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली है वो भी कटघरे में है। साथ ही सभी लड़कियों ने कहा कि अंकिता भंडारी के हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाने की मांग की। मेरा नाम काजल भाटला, मैं हम आज सभी युवा समिति अपनी कैंडल मार्च के लिए आए थे क्योंकि हमारी ही जैसे एक युवती अंकिता भंडारी को जो अपने सपनों की डान लेकर अपने घर से बाहर निकली थी उसको कुछ दरिंदों ने मार दिया है। हम सरकार से इसी यही अपील करते हैं कि वो अंकिता भंडारी के हत्यारों को सख्त के ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई करे और उन्हें हो सके तो फांसी की सजा दे। आज अंकिता भंडारी जो हमारी बेटी घर से अपने सपनों की उड़ान लेकर निकली थी कुछ दरिंदों ने बड़ी बेरहमी से उसे मार दिया है और हम उसके हत्यारों को फांसी की मांग करते हैं। और जब जब देश की बेटियां इस देश में ऐसे सुरक्षित नहीं होंगी तो कैसे हम बच्चों को उड़ान भरा सकते हैं। लड़कियां आज हर जगह चलने के लिए तैयार हैं लेकिन कुछ दरिंदे उनको उड़ने नहीं देते। जिसने भी ये घिनौना अपराध किया है हम सरकार से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हैं और हम सचेत करते हैं उत्तरांचल सरकार को कि जल्द से जल्द कातिल का पता लगाकर उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए वरना प्रदर्शन इससे भी ज्यादा भारी होगा। अंकिता जिसने अपने सपनों को लेकर जो घर से निकली थी आज कुछ बनना चाहती थी वो आज हमारे बीच नहीं है। हम उसकी श्रद्धांजलि के रूप में यहाँ पर हमने एक कैंडल मार्च का आयोजन किया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।